नमस्कार, मैं नगेंद्र जम्वाल आज आपको लेकर आया हूं जम्मू म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। रीज़न क्या है यहां पे आने का, आपको दिख रहा होगा मेरे पीछे यहां पे काफ़ी संख्या में, काफ़ी तादाद में जो लोग हैं यहां पे बैठे हुए हैं। ये कौन लोग हैं, क्यों बैठे हैं, ये जानकारी तो हम लेंगे ही लेंगे। साथ ही साथ आपको बता दूं, ये लोग जम्मू म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के सिविक सफाई कर्मचारी और उनकी यूनियन के कर्मचारी हैं। इनके हेड हमारे साथ हैं, इनसे जानकारी लेंगे रिंकू गिल की, आखिर क्या वजह है कि 10-15 साल गुजर जाते हैं लेकिन जो ये लोग यहाँ पे कार्य कर रहे हैं उनको अभी तक पक्का नहीं किया जाता। और भी इनकी काफ़ी डिमांड्स हैं, जैसे कि जब ये कभी छिड़काव करने के लिए जाते हैं इनको प्रिकॉशनरी तौर पर वो चीज़ें नहीं दी जाती जिनसे ये अपने आप को सेफ रखें। आइए जानकारी लेते हैं इनसे। रिंकू जी, पहले तो आपका स्वागत। धन्यवाद। मुझे ये बताएं कि आखिर आज क्या हुआ कि आपको सड़कों पर उतरना पड़ा? आज सर, सड़कों पर उतरने वाली जो बात है तो मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि हमने जितनी बार भी इनको नोटिस दिए, जैसे कि रीऑर्गेनाइजेशन का हमारा काफ़ी पुराना मुद्दा है जो कि हमारे 2005 से ये लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन अभी तक जो है रीऑर्गेनाइजेशन हमारे डिपार्टमेंट में नहीं हुई। तो कारण क्या बोल रहे हैं, क्यों नहीं हो रही? सर, मैं तो यही कहना चाहता हूँ, श्रीनगर में और जम्मू में हमेशा इन्होंने भेदभाव रखा है, क्योंकि श्रीनगर में आज तक एनजीओ का एक वर्कर भी नहीं लगा, तो यहाँ पर एनजीओ जो है काफ़ी तेज़ी से काम कर रही है। एनजीओ जो है हमारे डिपार्टमेंट में, जो एनजीओ है यहाँ म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में है लेकिन श्रीनगर में नहीं। वो तो भेदभाव तो 1947 से चल रहा है ना, वो तो चलता रहेगा। लेकिन सर, मैं यही कहना चाहता हूँ, अगर हमारे जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की जो हमारी डिमांडें हैं, जैसे कि रीऑर्गेनाइजेशन, 200 आदमी जो हमारा कैजुअल लगा है उनको परमानेंट करना, 600 आदमी जो कि फॉर्म फिल हो चुके हैं उनको जल्द से जल्द लगाएं, अगर हमारी डिमांडें जल्द से जल्द पूरी नहीं होती हैं तो मजबूरन जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का हर एक जो मुलाजम है वो 7 तारीख को स्ट्राइक पर चला जाएगा। तो उसके जो जुम्मेवार होंगे गवर्नमेंट होगी और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन। जून से आप स्ट्राइक पे जाएंगे? बिल्कुल सर। कितने दिन के लिए जाएंगे? सर, जब तक हमारी डिमांडें पूरी नहीं होंगी। पर रिंकू जी, एक बात तो है ना, आप हर बार स्ट्राइक पे जाते हैं, हर बार आश्वासन मिलता है, फिर आप चुप करके बैठ जाते हैं। नहीं, लेकिन सर हमने पहले भी जितनी स्ट्राइकें की हैं, जैसे कि हमने पहले 2013 में स्ट्राइक हुई थी, तो 2014 में हमने 600 आदमी जो है हमने कैजुअल लगाया, उसके बाद में अगर हमने 2015 में, आपका कहने का मतलब कि जब तक आप स्ट्राइक ना करें इनके कान नहीं खुलते? तब तक सर मैं तो यही कहना चाहता हूँ, जब तक बच्चा रोए नहीं तो माँ दूध भी नहीं देती, तो इसलिए जब तक मुलाजम अपनी आवाज़ बुलंद ना करे, अपने जो स्ट्राइकों पर ना उतरे, तो मैं तो यही कहूँगा कि तब तक गवर्नमेंट कुछ नहीं देती। तो इसलिए अगर हमारी डिमांडें पूरी हो जाती हैं तो ठीक है, नहीं तो मजबूरन जो है म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का हर एक जो मुलाजम है वो 7 तारीख को स्ट्राइक पर चला जाएगा। मेरे साथ एक महिला भी जुड़ चुकी है, इनसे भी बात करते हैं और जानते हैं कि आखिर क्या मजबूरी है इतनी गर्मी जो है, रिकॉर्ड तोड़ गर्मी जो जम्मू में पड़ रही है, 44 से ऊपर टेम्परेचर जो है वो चल रहा है, लेकिन उसके बावजूद महिलाएं जो हैं वो कंधे से कंधा मिलाकर अपने साथीगण के साथ बैठी हुई हैं और डिमांड एक ही है, जो हमारी डिमांडें हैं जेन्युइन डिमांड्स हैं उसको पूरा कर दिया जाए, नहीं किया तो 7 से ये लोग स्ट्राइक पर चले जाएंगे। जी, आपका नाम? मेरा नाम शहजादी गिल, सेंट्री सुपरवाइजर की प्रेजिडेंट हूँ मैं। जैसा कि अभी आपने, इन्होंने प्रधान जी ने बोला है कि जो जब जब हमने अपनी डिमांड्स रखी है, जब तक हम स्ट्राइक नहीं करेंगे तब तक हमारी डिमांडें पूरी नहीं होती। वो भी अगर हमारी 6 डिमांडें होती है तो उनमें से जो छोटी छोटी डिमांड होती है एक दो वो पूरी की जाती है, फिर भी हम कहते हैं कि हमारा शहर जो है वो गंदा ना हो। इस मजबूरी हालत से हमें दोबारा अपने कामों पर हाजिर होना पड़ता है। ये इन्होंने बड़ी अच्छी बात बोली, जिस तरह से इन्होंने कहा कि लोगों को परेशानियों का सामना ना करना पड़े, इसलिए यही लोग जो हैं वो झुक जाते हैं, क्योंकि अगर सफाई नहीं करेंगे तो जाहिर सी बात है गंदगी बढ़ेगी, तो गंदगी बढ़ी
तो ऐसी ऐसी बीमारियां जो हैं वो शहर को अपने गिरफ्त में ले लेंगी, जिनका फिर जो इलाज है वो ला इलाज भी हो जाता है। उसी कारण ये लोग आम पब्लिक का सोचते हैं और स्ट्राइक जो है ये ज़्यादा देर रखते नहीं हैं। लेकिन अब जो उच्च अधिकारी जो इनके बैठे हुए हैं ऊपर, उनको भी चाहिए जो इनके डिमांड्स हैं, अगर उनको लगता है कि जेन्युइन है तो मान लेनी चाहिए, अगर लगता है कि नहीं इनमें कोई कमी पेशी है, इनको बुलाएं, बिठाएं, मीटिंग करें और बताएं कि ये प्रॉब्लम है, हम लोग इसमें जो है वो डिमांड पूरी नहीं कर सकते। जी डिमांड पूरी ये जब से म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन बनी है तब से, जब म्युनिसिपलिटी होती थी उस वक्त हमारी कुछ ऐसी डिमांडें होती जो पूरी होती थी, जब से कॉर्पोरेशन आई है तब से हमारे बहुत से मसले ऐसे हैं जो पेंडिंग है, जो भी जब भी हम आगे आने की कोशिश करते फिर भी हमें अपने शहर की थोड़ी हमदर्दी हो जाती है। हमारे हमने कुछ लोग लीडर ऐसे कहते हैं हम स्मार्ट सिटी बनाएंगे। स्मार्ट सिटी आप कैसे बनाओगे? आप घरों से बाहर निकल के काम करोगे? जब स्मार्ट सिटी चाहिए तो पहले हमारे सफाई कर्मचारियों की मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा, उनकी मुश्किलें हल करनी पड़ेगी, तब भी स्मार्ट सिटी बनेगी जब आप हमारे मसले हल करेंगे तो। और ये बताएं इस जो आपका ये जो एम्प्लॉयज यूनियन है इनमें टोटल महिलाएं कितनी होंगी? टोटल महिले यहाँ पे तो कोई 2000 के करीब है महिले हमारे साथ अभी तक तो। ये अभी जितने आपको पता है, आपको एक बात कहना चाहती हूँ, औरत जब जिद पे आ जाती है तो कभी नहीं हारती है। इस वक्त हमारे साथ जितने भी हमारे जितने भी अलग अलग डिपार्टमेंट के में जितने भी विंग हैं सभी हम एक साथ मिलके काम कर रहे हैं, और एक साथ मिलके हम सभी औरतें जितनी भी हैं सभी रोडों पर आएंगी। जब तक हमारे मसले हल नहीं होंगे तब तक हम वापस नहीं जाएंगी। 7 तारीख को हमारी स्ट्राइक है। स्ट्राइक का मतलब है कि टोटली बंद। इसमें मैं मीडिया के माध्यम से अपनी सारी जितने भी हमारे सेंटी सुपरवाइजर हैं और सफाई कर्मचारी हैं उनको मैसेज देना चाहती हूँ, कोई सुपरवाइजर काम करवाता हुआ दिखाई दिया वो अपने खुद अपनी जिम्मेदारी लेगा, और जो कोई सफाई कर्मचारी काम करता दिखाई दे गया या किसी अफसर की चमचागिरी करता दिखाई दे गया वो अपने नुकसान का खुद जिम्मेदार होगा। इस बार हमारी स्ट्राइक फुल इन फाइनल है। जब तक हमारे मसले हल नहीं होंगे तब तक हम कोई काम नहीं करेंगे। साफ तौर पर इन्होंने एक वार्निंग साइन भी दे दिया है कि अगर हम लोगों से जो काम अगर ज़बरदस्ती करवाया या फिर किसी भी थ्रेट के साथ करवाया तो फिर उसकी जिम्मेवारी उन्हीं की होगी जो इनसे करवाएंगे। हमारे साथ एम्प्लॉयज़ जॉइंट एक्शन कमेटी के जो प्रधान है वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बाबू हुसैन मलिक जी, इनसे भी जानकारी लेते हैं। बाबू जी आप मुझे ये बताएं आप इनको सपोर्ट करने के लिए आए? बिल्कुल, मैसेल्फ बाबू हुसैन मलिक, स्टेट प्रेसिडेंट एम्प्लॉयज़ जॉइंट एक्शन कमेटी, मैं क्लरिकल का भी स्टेट प्रेसिडेंट हूँ। आज का मेन मुद्दा जो मकसद है, जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में जिन लोगों ने प्रोटेस्ट रखा है, एम्प्लॉयज जॉइंट एक्शन कमेटी जम्मू कश्मीर और लद्दाख को रिप्रेजेंट करती है और ये हमारे साथ ही चलते हैं, हमारी इनके साथ फुली सपोर्ट है। सबसे बड़ी बात यह है कि जिन लोगों को हम इक्तदार की कुर्सी पर वोट दे के इक्तदार की चेयर पर बैठते हैं, आपने देखा है आज तक मुलाजम की और वर्कर की उन्होंने बात नहीं की। उन्होंने जितनी भी आज तक जितने मसाइल हल किए, रूल एंड रेगुलेशन बनाए, सिर्फ अपने फेवर में बनाए। अपनी सैलरी उन्होंने 13,000 से बढ़ा के 2.5 लाख कर दी, लेकिन जब मुलाजमों को देने की बात आती है, वर्करों को देने की बात आती है, कहते हैं हमारा खजाना खाली हो चुका है। मैं कहता हूं कि सरकार को, जो जम्मू कश्मीर की सरकार है इस वक्त, हम ये हनेबल गवर्नर साहब को ये कहना चाहते हैं कि मुलाजम जो जम्मू कश्मीर की स्टेट की एडमिनिस्ट्रेशन की रेड की हड्डी है, हम ये कहना चाहते हैं कि ये मुलाजमों के मसले हल करें। अगर सरकार इनको मुलाजमों को हल नहीं करती तो आने वाले दौर में म्युनिसिपलिटी डिपार्टमेंट में जितना ये प्रोटेस्ट देंगे, जम्मू कश्मीर और लद्दाख के सारे मुलाजम इनकी सपोर्ट में रहेंगे तो एक बहुत बड़ा आंदोलन होगा। सारे के सारे एम्प्लॉयज़ जितने भी हैं वो सपोर्ट में रहेंगे, ये कहना था एम्प्लॉयज़ जॉइंट एक्शन कमेटी के जो प्रधान है बाबू हुसैन मलिक उनका। और साथ ही साथ जिस तरह से एम्प्लॉयज़ जो हैं ये जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के, इन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि 7 सिविक कर्मचारी हैं ये लोग, 7 जून से ये इनडेफिनेट स्ट्राइक पे जा रहे हैं, जिसकी जिम्मेवारी जो है होली सोली जो राज्य प्रशासन है उस पर होगी। लेकिन अगर उससे पहले ये अगर इनकी जो डिमांड्स हैं वो मान लेते हैं तो जो स्ट्राइक है वो टाली भी जा सकती है। फिलहाल मुझे यानी नगेंद्र जम्वाल को कैमरामैन अमित सिंह सासन के साथ दीजिए इजाज़त, शुक्रिया।